इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गोस्वामी जी कहते हैं, जाकी कृपा लव लेश ते लव मात्र कृपा से मति मंद तुलसी पायो परम विश्राम। राम जी के समान कोई दूसरा प्रभु नहीं। सनातन धर्म में भटकन बहुत बढ़ गई है। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। देखो, भगवान है दुई, राम और कृष्ण, ये भगवान है। भोले बाबा महादेवता है, पांच हमारे देवता है, भगवान सूर्य, भगवान गणपति, देवपद है ये, भगवान विष्णु, भगवान शिव और आदि शक्ति, जिनका यह समय नव दिन चल रहा है, नवरात्र। ये सनातन धर्म के पंच देव हैं, जिनकी हमको पूजा प्रतिदिन करनी चाहिए, करते हैं। भगवान का स्मरण करिए और देवताओं का पूजन करिए। नवग्रह आदि ये सब पार्षद लोग हैं, ये देवता नहीं। ये अग्नि आदि ये दिग्पाल हैं, दस हैं, चार कोने चार आठ, एक ऊर्ध्व के एक अधो के, दस दिग्पाल हैं जो दसों दिशाओं में। पूजन के समय आचार्य जी कहते हैं ना, इधर फेंकिए, इधर सरसों फेंकिए, इधर फेंकिए, इधर डालिए, इधर रखिए, सब रक्षक दसों दिग्पाल, दिग्बंधन होता है। तो सनातन धर्मी हैं हम लोग, तो जाने चाहे जहां माथा ना नवावे, चाहे जहां चले गए, जहां भीड़ दिखी वहीं घुसे जा रहे, चाहे जिसका विग्रह है दंडवते कर दे रहे हैं, श्रद्धा विवेक पूर्वक हो। अविवेक पूर्वक न हो, इतना तो भाव रखना चाहिए ना। भगवत सेवा करेंगे तो भगवत भाव बनेगा, कृपा बढ़ेगी। गोस्वामी जी कहते हैं, मोसम दीन न दीन तुम समान रघु अस विचार रघुवंश मन हरहु विषम। समाप्त हो प्रभु। अब गोस्वामी जी की कांक्षा क्या है देखिए। कामे नारि प्यारि जिमि लोभि प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लाग मोहि राम। गोस्वामी जी प्रियता की पराकाष्ठा बताते हैं। जैसे विषयी को स्त्री से प्रेम है, लोभी को द्रव्य से प्रेम है, भले मर जाई हो तो है ना भुनई हो तो हरी के देख देख जियरा जुड़े। लोभी आदमी पॉकेट में पैसा भी रहता है, बाजार में जाएगा, दाम पूछेगा, न खरीदेगा न खाएगा, और उसके साथ जो रहेगा वो भी उसको भी एकादशी मनवाएगा। भगवान बचावे, लोभी के साथ कदापि नहीं रहना चाहिए। हाँ, वरना महीने में 12 दिन एकादशी हो जाएगी। मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कोई बुला के दे देगा नहीं। राजा लोभ भावी हो तो वहां उस देश में नहीं रहना चाहिए, ऐसा जहां मानस में लिखा है। सावधान खुला देखिए, भगवान ने दिया हो ना तो परिवार को बड़े आनंद में रखिए, बच्चों को आनंद में रखिए, और अपने जीवन का अभाव कभी बच्चों से रो रो कर नहीं गाना चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होता है, बच्चों का मन और बिगड़ता रहता है। प्रभु ने दिया है तो आनंद में रहिए, आनंद में रखिए, आनंद आनंद को आनंद के साथ रखिए। तो प्रभु से
मांगते हैं गोस्वामी जी। लो भी प्रिय जी में धाम तिमि रघुनाथ निरंजन प्रिय लागहु। प्रभु वैसे आप हमको प्रिय लगे, ऐसी रति हमारे मति और चित्त में आ जाए। बाबा ने पूर्ण किया मानस को, यत् पूर्वं प्रभुणा कृतं सोपान समाप्त। बोले श्री रामचरितमानस भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भगवान की कृपा से मां संकटा जी के साये में भगवान गोला गोकर्णनाथ के सन्मुख शारदीय नवरात्र अनुष्ठान के अवसर पर लखीमपुर के इस क्या है वाईडी कॉलेज के मैदान में प्रांगण में हमने आपने जेटीसी परिवार के मुख्य यजमानकत्व के संग में हमारे
कई दैनिक यजमान परिवार जो इस उत्सव में नव दिन सर्व प्रकार मनसा वाचा कर्मणा तन से मन से धन से समाहित हुए, आप सर्व श्रोता समाज के सहयोग से भागवत भाव से सत्य संकल्प से ठाकुर जी की पावन कृपा स्वरूप यह राम कथा आज पूर्ण हो रही है। इसके लिए मैं व्यासपीठ से सबको बधाई और साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि इस राम कथा में तन मन धन पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा जो जिस प्रकार सेवा में समर्पण अपना किया हो मेरे प्रभु, उस पर वैसी कृपा अवश्य बनाए जिससे उसका भाव और उनके चरणों में बढ़ता जाए, तभी न लाभ होगा है? हम लोग जीव हैं, लोभी भी हैं, विषयी भी हैं, तो बिना लाभ के हम लोग कहीं जाते बातें नहीं। तो भगवान की सेवा हम लोग थोड़ा करते हैं, भगवान उसी में थोड़ा हम लोगों को और मन लगाते हैं, अपने चरण में थोड़ा घर द्वार व्यापार व्यवहार बढ़ाते हैं, तो लगता है भाई चलो भगवान में लगे थे तो हमारा और मंगल हो रहा है। ऐसी हमारी ठाकुर से प्रार्थना है, जैसे उन्होंने मेरे पर कृपा किया है, हमारे यजमान परिवार, दैनिक यजमान परिवारों, श्रोता समाज, हमारे सहयोगी बंधु, व्यवस्था के सभी बच्चे, सब पर और नगर पर भी भगवान वैसी ही कृपा वृष्टि करें, ये मेरी ठाकुर से प्रार्थना है। इस कथा के पुण्य को हम लोग अपने राष्ट्र देव के चरण में समर्पित करते हैं। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, बोलिए भारत माता की जय हो। दुनिया के देश भूखंड है, भारत ही एक ऐसा देश है जो मातृभावी माना जाता है, और किसी देश को माँ नहीं बोलते, सब भूखंड है, लेकिन हमारे ऋषियों ने क्या व्यवस्था बनाई, भारत माता है, आदि शक्ति स्वरूपा है, माँ के चरणों में हमारी आपकी प्रीति और दृढ़ हो। थोड़ा प्रयास तो मैं बहुत किया, परंतु स्वभाव होने के कारण कथा में कहीं कहीं कठोर बातें निकल गई होगी, क्षमा पूर्वक आपसे निवेदन करूं। दवा भी वही फायदा करती है जो थोड़ी गले में कड़वी लगती है, इसलिए यदि कोई कथा क्रम में कड़वी बात आपको लगी हो और जीवन जीने में वो मिठास बनावे, उसको मेरे ही मुख का अपराध समझकर क्षमा पूर्वक निर्वाह करिएगा, अन्यथा न लीजिएगा, ये मेरा सहज स्वभाव है। वैसे मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि कोई बुरा भी है तो उसको न कहा जाए, जिसको प्रभु आयसु जहि कह जस अहि सो तहि भांति रहे शुक्ल ही। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।